ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे किसी जुर्म में 9 साल की जेल की सजा मिलती है, पर जेल में उसे एक आदमी से प्यार हो जाता है और दोनों दिन रात बस गपागप करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, उस मूवी का नाम है डाउन बाय लव, जो 2016 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़की को देखते है जिसका नाम एना था। एना को किसी ग्रुप के साथ क्राइम में इन्वॉल्व होने की वजह से पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद एना को जेल में ले जाया जाता है। जेल में पुलिस एना के कपड़े उतार के उसका बॉडी चेकअप करते हैं। इसके बाद एना को एक रूम दिया जाता है जिसमें घर जैसी ही सारी फैसिलिटीज थी। थोड़ी देर बाद एना अपने रूममेट से मिलती है। उनमें से एक लड़की एना को बताती है कि कल यहाँ कुछ गेस्ट आने वाले है और हमें उनके सामने फैशन शो करना होगा। एना जब किचन में अपना काम कर रही थी तभी वहाँ जेल का वार्डन आता है जिसका नाम जॉन था। जॉन सभी को फैशन शो के लिए रेडी होने को कहता है। यहाँ जॉन एना को देखता है और उसे बात करने की कोशिश करता है, पर एना उसे भाव नहीं देती। अगले सीन में सभी लड़कियाँ परफॉर्म के लिए रेडी हो रही थी, तभी एना खिड़की से मिनिस्टर को देखती है जो फैशन शो देखने आ रहा था। मिनिस्टर के साथ जॉन भी था। जॉन को देख के एना अपनी ड्रेस थोड़ी फाड़ देती है। दरअसल एना जॉन को इम्प्रेस करना चाहती थी। एना जब परफॉर्म करने आती है तब जॉन उसे देख के इम्प्रेस हो जाता है। अगले दिन जॉन एना को अपने केबिन में बुलाता है। एना कहती है कि क्या वो किचन छोड़ के किसी और जगह पे काम कर सकती है। तब जॉन कहता है कि नहीं, यहाँ का एक रूल है कि हर कैदी को लगभग 4 महीने तक एक ही जगह पे काम करना पड़ता है। वो कहता है कि 4 महीने बाद मैं तुम्हारी शिफ्ट चेंज करवा दूंगा। अगले सीन में हम जॉन और उसकी वाइफ को अपनी बेटी के डांसिंग शो में देखते है। जेल में एना की मोम एना से मिलने आती है। एना अपनी मोम से कुछ पैसे मांगती है। तब एना की मोम कहती है कि वो उसे अगले क्रिसमस तक ही पैसे दे पाएगी। बाहर आने के बाद एना अपनी दोस्तों के साथ बातें कर रही थी, पर तभी उसके पास एक लड़की आती है और एना को गंदे तरीके से टच करने लगती है। एना को ये अच्छा नहीं लगता और वो बहुत गुस्सा हो जाती है और उस लड़की को मारने लगती है। इस वजह से जॉन एना को अपने केबिन में बुलाता है। वो एना से कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम जेल से कभी बाहर नहीं निकल पाओगी, पर एना बिना कुछ बोले वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। फाइट के दौरान एना के हाथ में चोट लग जाती है, इसलिए एना की रूममेट उसे बैंडेज लगाती है। यहाँ पर वो भी एना को किस करने की कोशिश करती है, पर एना को ये पसंद नहीं आता और वो उसे वहाँ से चले जाने को कहती है। अगले दिन एना को सुनवाई के लिए कोर्ट में बुलाया जाता है। कोर्ट रूम में जाने से पहले एना की चेकिंग होती है जिसमे एना को अपने सारे कपड़े उतारने पड़ते है। जब एना कोर्ट रूम में जाती है तब उसे 9 साल की सजा सुनाई जाती है। कोर्ट से वापस आकर एना जॉन से मिलती है। जॉन उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ सबसे अच्छे से पेश आती हो तो तुम्हारी सजा कम हो सकती है। जॉन उसे किचन के काम से निकाल के कंप्यूटर का काम दे देता है। एक बार जब एना अपना काम कर रही थी तब जॉन उसके पास आता है और उसे टच करने लगता है। एना भी उसे नहीं रोकती। अगले सीन में एना बुक पढ़ रही थी तभी जॉन उसके पास आता है। वो एना से बात करने की कोशिश करता है, पर एना उसे एक लेटर देखकर वहाँ से चली जाती है। उस लेटर में लिखा था कि उसे इस जेल में घुटन सी महसूस होती है, प्लीज मेरा ट्रांसफर किसी और जेल में करवा दो। जॉन जब घर आता है तब वो बस एना के बारे में ही सोच रहा था। अगले दिन जॉन एना के पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, पर यह वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। धीरे धीरे अब इन दोनों को एक दूसरे से प्यार होने लगता है। एक दिन जब जॉन एना के पास आता है तब वो देखता है कि एना ने कुछ दीवार पे पेंटिंग बनाई है। ये पेंटिंग देखकर वो एना को किस करने लगता है। फिर अगले दिन वो एना को बताता है कि उसने एना का ट्रांसफर किसी और जेल में करवा दिया है।